हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी बातें बताने वाला हूं। घर में लोगों के पास लैपटॉप डेस्कटॉप होते तो हैं, उनका लैपटॉप काफ़ी दिनों से स्लो चल रहा होता है। वो फॉर्मेट करना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। कहीं से DVD ले आते हैं, कहीं से पेन ड्राइव ले आते हैं, विंडो की CD ले आते हैं, पर वो स्टार्ट कैसे करें वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि विंडो का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता आपके पास कौन सा लैपटॉप है, किसी और के पास क्या डेस्कटॉप है, किस ब्रांड का है, उसमें क्या ऑप्शन आएगा, स्टार्ट हम कैसे करेंगे। ये मैं सारी परेशानियों को इस वीडियो में दूर कर दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको कई सारे अलग अलग ब्रांड्स के सिस्टम्स में मैं दिखाऊंगा कि हम इंस्टॉलेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम पेन ड्राइव से अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन पेन ड्राइव लगाते ही ऑन करते ही इंस्टॉल हो जाएगा, क्या उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, यही इम्पोर्टेंट बात है, जिसके कारण कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं कर पाता है और फाइनली वो इंस्टॉलेशन के लिए दूसरी जगह भेजना पड़ता है, यहाँ शॉप में भेजना पड़ता है और उसे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप खुद कर पाएंगे, मैं वो परेशानी दूर करने वाला हूँ। तो आप देखिए, अगर आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम आपका हेल्प करते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो शुरू करता हूँ मैं अभी। सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए पेन ड्राइव बूटेबल का होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप पेन ड्राइव बूटेबल बना चुके हैं तो आप रेडी हैं इस वीडियो के लिए। अगर नहीं बनाया है तो आपको मेरे वीडियो देखिए, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देखिए उसमें पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, मैंने स्टेप लिखा हुआ है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। और उसके बाद का स्टेप मैं बताता हूँ, जब बन गया ये पेन ड्राइव बूटेबल तो फिर अब हम क्या करें, कैसे हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में इंस्टॉलेशन होगा। वीडियो मूव करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। मेरी कोशिश है हर एक सभी को ये बताना कि आप इंस्टॉलेशन हर हाल में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे लिखें, मुझे कंप्लेन करें। मेरा दावा है कि ये मैंने वीडियो बनाने की जो कोशिश की है वो बिल्कुल सबको सिखा पाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले मैं ये बूटेबल जो मैंने बना लिया है, आप भी बना लीजिए हमारे वीडियो को देखकर, ये मैंने बना लिया है। तो अब मैं इसको USB में लगा रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, अभी सबसे पहले आपको बूटेबल इसको बूट करना है पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव से बूट कैसे करेंगे, तो ये सिस्टम को रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। सपोज इसमें विंडो नहीं है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसको रीस्टार्ट कर दीजिए या स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करते ही हमें हर लैपटॉप का एक बूट की होता है, वो बूट की ज़्यादातर पॉपुलर होता है। जैसे ये हमने HP का यूज किया हुआ, HP का एस्केप होता है, ज़्यादातर HP का बूट की में जाने के लिए एस्केप की जैसे ही हमने प्रेस किया, सिस्टम बूट करके हमने एस्केप की प्रेस किया, पेन ड्राइव लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए बूट ऑप्शन दिखा रहा है, F9 बूट डिवाइस ऑप्शन। तो अभी मैं यहाँ पर F9 प्रेस कर देता हूँ। देखिए F9 प्रेस करते ही यहाँ पर हमने जो स्कैन डिस्क पेन ड्राइव लगाया था ये तीसरे नंबर पर दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तीसरे नंबर पर हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए कि ये Windows 7 जो हमें इंस्टॉल करना था, इसमें 7 का बूटेबल हमने बनाया था, 10 का भी बनाएंगे तो यही प्रोसेस है। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है।
आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये HP का लैपटॉप है और ज़्यादातर HP का लैपटॉप में बूट ऑप्शन में जाने के लिए एस्केप की उसके बाद F9 की होता है। अगर किसी में चेंज होता है तो आपके स्क्रीन पर लिखा आएगा, या आप उसका मैनुअल गूगल से भी फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कौन सा की है, या F10 या F12 या F9, ये ज़्यादातर यही की होते हैं, तो प्रेस करके देख कर भी पता चल जाता है। अब देखिए विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरा मकसद अभी यहाँ तक बताने का है। इंस्टॉलेशन आपको समझना है तो आपको दूसरे वीडियो में आप देखकर आप इंस्टॉलेशन इसके आगे कैसे करें वो कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा। ये सोनी वायो का लैपटॉप है और सोनी वायो के लैपटॉप में हम ये कैसे स्टार्ट करेंगे। सोनी वायो के लैपटॉप में हमें नहीं पता है कि इसका बूट डिवाइस क्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये पेन ड्राइव लगा के और इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हमें इस रीस्टार्ट ही करना होगा। बूट ऑप्शन में जाने के लिए बूट ऑप्शन, यहाँ से मैं बूट ऑप्शन में जा रहा हूँ रीस्टार्ट करके, विंडो 10 या 7 जो भी इंस्टॉल करना है। तो सोनी वायो का मुझे लगता है F एस्केप की हो सकता है या F10 हो सकता है। F10 अगर नहीं हुआ तो F9 हो सकता है, F12 हो सकता है। मैं F10 प्रेस स्टार्ट कर दिया है और F10 मैंने प्रेस किया। ये देखिए ऑलरेडी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब आपको मेरा मकसद दिखाना है कि ये क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसमें बूट डिवाइस ऑलरेडी है सेट, फर्स्ट डिवाइस USB सेट है, तो हो सकता है F2 होगा इसका, सोनी का। देखिए F2 है इसका। मैंने क्योंकि कई सारे सिस्टमों को मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जनरली कौन सा की होता है। ये देखिए इसका BIOS ओपन हो गया। अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, बूट ऑप्शन यहाँ पर है। अब यहाँ बूट प्रायोरिटी देखिए, बूट प्रायोरिटी होता क्या है। बूट प्रायोरिटी ये है कि जब सिस्टम ऑन हो तो वो किसके सहारे बूट करे, पेन ड्राइव के सहारे या आपके हार्ड डिस्क के या आपके DVD के सहारे, किसके सहारे। तो बूट फर्स्ट बूट प्रायोरिटी यहाँ इंटरनल ऑप्टिकल डिस्क है, पहले ये ट्राई करेगा, उसको नहीं मिलेगा। सेकेंड एक्सटर्नल डिवाइस ट्राई करेगा, उसको एक्सटर्नल में हार्ड डिस्क है ऑप्टिकल डिस्क है, नहीं मिलेगा। थर्ड में ट्राई करेगा इंटरनल हार्ड डिस्क को, अगर मिल जाता है तो मिल जाएगा। अदर एक्सटर्नल में देखिए, जो सेकेंड वाला मैंने दिखाया ये एक्सटर्नल, तो फर्स्ट इसने ऑप्टिकल ट्राई किया होगा, सेकेंड एक्सटर्नल ट्राई किया होगा, तो एक्सटर्नल में इसको बाहर से जो लगा हुआ था वो उसको मिल गया, तो इसलिए ये इंस्टॉलेशन डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। तो आप ये समझ चुके हैं। और कभी भी BIOS में कुछ भी हम चेंज करते हैं तो हर एक BIOS में F10 ही सेव करने का होता है। एस्केप हम करते हैं तो वो पूछता है सेव करें या ना, यस कर देते हैं, या F10 से भी हम सेव करते हैं। F10 की प्रेस करने पर हमने यस कर दिया, ये सेव होके रिस्टार्ट हुआ और ये ऑलरेडी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। तो हम आगे बढ़ते हुए दूसरे एक और लैपटॉप में देखने के लिए चलते हैं। यहाँ तक आप सोनी वायो का समझ गए। यहाँ देखते हैं कॉम्पैक का सिस्टम है, यानी कॉम्पैक HP की ही कंपनी है, तो जनरली हम इसमें भी पेन ड्राइव लगाते हैं और कॉम्पैक को बूट करने की कोशिश करते हैं USB पेन ड्राइव के थ्रू और इंस्टॉलेशन करने। इसमें भी एस्केप ही प्रेस करना पड़ेगा। हमने एस्केप प्रेस करने में
देर किया तो आगे बढ़ सकता है। देखिए इसके प्रेस करते ही यहाँ सेम एचपी वाला ऑप्शन आ गया। देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन है, सिस्टम डायग्नोस्टिक बूट ऑप्शन है F9 से। देखिए स्कैन डिस्क फर्स्ट नंबर पर दिखा रहा है, उसमें उस वाले एचपी में थर्ड पर दिखा रहा था, ऐसा क्यों? अब मैं ये आपको समझाता हूँ। अभी नीचे देखिए प्रेस F10 टू बायोस दिखा रहा है, तो हमें F10 करके मैं आपको बायोस में ले चलता हूँ और ये समझाता हूँ कि फर्स्ट में कैसे स्कैन क्यों दिखा रहा है। आप यहाँ देखिए बूट ऑप्शन, बूट ऑप्शन सबसे पहले तो हमने ऊपर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में गए और यहाँ नीचे एरो की से आइए, एंटर प्रेस करिए, बूट ऑप्शन में बूट ऑर्डर देखिए, बूट ऑर्डर क्या है इसके अंदर, एंटर प्रेस करके देखिए फर्स्ट बूट ऑर्डर हमने क्या किया हुआ है। USB डिस्केटी ऑन की USB हार्ड डिस्क, यानी कि ये एक प्रकार का USB हार्ड डिस्क ही की तरह काम करता है पेन ड्राइव, तो फर्स्ट पे ही USB ऑलरेडी सेट है, तो सबसे पहले वो USB चेक किया और USB में ही उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, तो USB से बूट कर जाएगा। अभी जैसा कि हमने बूट ऑप्शन में देखा फर्स्ट पे स्कैन डिस्क दिखा रहा था इसी वजह से। अगर मैं इसको सेकेंड नंबर पे कर दूं, कैसे करूंगा? इसको चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखिए दिखाते हैं नीचे, देखिए F5 एंड F6 टू चेंज वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर F5 करता हूँ, देखिए सेकेंड नंबर पर आ गया USB। अब वहाँ पर जब आप देखेंगे तो स्कैन डिस्क सेकेंड नंबर पर मिलेगा, तो वो अगर हम कभी बूट कराना चाहेंगे तो डायरेक्ट नहीं बूट होगा, पहले फर्स्ट बूट ट्राई करेगा, फिर सेकेंड पे जाएगा, फिर सेकेंड से पेन ड्राइव से बूट करेगा। तो आप ये समझने की कोशिश करिए, मुझे ये बताने का मकसद यही है कि हर लैपटॉप में, हर डेस्कटॉप में बायोस और बूट करने का सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आपको पेन ड्राइव बूट से बूट करने के लिए फर्स्ट डिवाइस पेन ड्राइव होना ज़रूरी है। तो आप ये समझ चुके हैं, मैं F6 से वापस इसको फर्स्ट पे ही रखता हूँ, F10 से सेव होता है। देखिए हमने F10 प्रेस किया, सेव हो गया। अभी देखिए एस्केप मैं प्रेस करता हूँ, देखिए लिख भी रहा है स्क्रीन पर एस्केप टू बूट मेनू, और F9 जैसा कि HP कॉम्पैक्ट में सब में F9 बूट ऑप्शन में होता है, F9 में गया तो फर्स्ट पे वहाँ पे USB सेट है, तो ऑलरेडी फर्स्ट पे है। और हमें यहाँ सेलेक्ट नहीं भी करते, पेन ड्राइव लगाते ही डायरेक्ट ये स्कैन डिस्क से ही बूट करता। तो अब हम आगे चलते हैं किसी दूसरे लैपटॉप में, यहाँ पर आप इस लैपटॉप में इंटरफेस करते ही आप देखेंगे कि इसका भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं ज़्यादा ना बताते हुए अब नेक्स्ट लैपटॉप पर चलता हूँ, इसमें आप समझ चुके हैं। अब आते हैं डेल के लैपटॉप में, और डेल के लैपटॉप में हम पेन ड्राइव यहाँ पर लगाते हैं। देखिए पेन ड्राइव हमने डेल पे लगा दिया है, अब हमें मैं इसको ऑन करता हूँ और इसका देखता हूँ, एक्स का F12 होता है जनरली, मैं बताता हूँ, इसके स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसका F12 होता है, और ज़्यादातर हम लोग पता लगा लेते हैं, 2-3 की फिक्स है जो वही होता है। देखिए USB स्टोरेज डिवाइस है, फर्स्ट बूट डिवाइस USB स्टोरेज डिवाइस है, फर्स्ट बूट, देखिए ये स्टार्ट हो गया। हमें बहुत आसानी से हमने F12 किया और डायरेक्ट USB स्टोरेज डिवाइस इंस्टॉल कर दिया, और ये USB स्टोरेज से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अभी मैं एस्केप फिर प्रेस करता हूँ, एस्केप F12, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है F12 से बूट मेनू, F12 अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा, और एंटर सेकेंड नंबर पर मैं एरो से करके एंटर करूँगा, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और HP लैपटॉप में चलता हूँ आपको दिखाने के लिए, एक और HP लैपटॉप है, अब इसमें मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ। देखिए मेरा मकसद है आपका हर हाल में अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकें, तो आप ध्यान से देखिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट यहाँ से होगा,
देखिए मैं रिस्टार्ट इसको मैंने कर दिया। अब देखिए क्योंकि ये एचपी का लैपटॉप है, एचपी का ज़्यादातर मैंने बताया है कि एस्केप की होता है या F1 होता है, तो मैं यहाँ पे इस पेन ड्राइव मैंने लगा दिया है। रिस्टार्ट होते ही मैं एस्केप प्रेस करूँगा। देखिए एस्केप मैं प्रेस कर रहा हूँ। देखिए एस्केप प्रेस करते ही उसी तरह का की जैसा कि पिछले कॉम्पैक और एचपी में आपने देखा, और F9 से बूट दिखा रहा है। तो हमने F9 प्रेस किया, देखिए फर्स्ट नंबर पर स्कैन डिस्क आ रहा है और नीचे प्रेस F10 टू बायोस। अगर आप को इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है तो ऑलरेडी फर्स्ट पे है, आप एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका बूट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप F10 करके बायोस में जाना चाहते हैं, बूट आपको चेंज ऑर्डर चेंज करना है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाके बूट ऑप्शन सेम ही रहता है। देखिए जैसे नीचे बूट ऑर्डर में गए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी F6 से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पर हमने USB ले आया, F10 से सेव किया, एंटर प्रेस कर दिया। अभी देखो एस्केप प्रेस करके मैं उसमें जाऊंगा, फर्स्ट पे आ गया। अब F9 से हम इसमें आ गए और एंटर प्रेस कर दिया, स्कैन डिस्क फर्स्ट नंबर पर था। अब देखिए इसका इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स मेरा मकसद यही बताना था कि बूटेबल तो आपने बना लिया मेरा पिछला वीडियो देखकर, लेकिन अब इंस्टॉल कैसे करें, तो आपका सिस्टम आपको पेन ड्राइव से इंस्टॉल नहीं करने दे रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर पाएंगे, और इसके आगे क्या करना है अगर किसी को पता है, बहुत लोगों को पता है तो वो आगे कर लेंगे। अगर जिसको नहीं पता है पार्टीशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन फिनिश कैसे करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें मैं 7 और 10 इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ। ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अगर आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो मैं और एक एक चीज़, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे हर एक तरह के कंप्यूटर लैपटॉप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हुआ लेकिन मकसद सिखाने का था, तो आप सब्सक्राइब करते हुए आप हमें इजाज़त दीजिए और एग्जिट कर सकते हैं।